गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम का अंजन। सो गाइस, यहाँ पर सुबह का टाइम था और जो दूध वाली आंटी हमारे यहाँ पे दूध देने आती है वो आ गई थी। मैंने यहाँ पर दूध लिया उनसे और उसके बाद पार्सल देने के लिए भी आ गए थे भैया, पार्सल वाले मतलब जो अमेज़ॉन वाले आते हैं तो वो आ गए थे। और अमेज़ॉन से ना मैंने कुछ कुर्तीज़ ऑर्डर किए हैं और आप लोगों को तो सबको पता है मुझे कुर्तीज़ कितनी ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी सारी कुर्तीज़ ऑर्डर किए हैं और मुझे इतनी अच्छी रिसीव हुई है ना, आपको क्या बताओ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और आपके साथ शेयर तो करूँगी पक्का। शायद ब्लॉग में शेयर करूँ या सेपरेट शेयर करूँ, बट शेयर तो करूँगी ही क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर कुर्तीज़ आई है और इस बार बहुत ज़्यादा खर्चा करा दिया मैंने इनका। क्या यार, मैंने काफ़ी दिनों से कुर्तीज़ ही परचेस नहीं की थी और मैं ना क्या करती हूँ, मतलब कार्ट में डालती रहती हूँ जो अमेज़ॉन पे अच्छी दिखती है कुर्तीज़, और उसका ना जब प्राइस डाउन हो जाता है तब मैं उसको परचेस कर लेती हूँ। तब अभी ना थोड़ा सा उसका प्राइस डाउन हो गया था तो सारी कुर्तीज़ मैंने परचेस कर ली और इतना ज़्यादा खर्चा हो गया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझ पे तो चिल्ला रहे थे ये कि क्या यार, हमेशा कुर्तीज़ ही परचेस करती रहती हूँ, कुर्तीज़ ही परचेस करती रहती हूँ। और मुझे ना कपड़ों का इतना ज़्यादा शौक है, आपको क्या बताओ। किसी किसी को मेकअप का शौक होता है, किसी किसी को और किसी चीज़ का शौक होता है, बट मुझे कपड़ों का ही बहुत ज़्यादा शौक है। आपने देखा होगा कि मैं कितने ज़्यादा कपड़े परचेस करती रहती हूँ। और हाँ, यहाँ पर ना कबाड़ी वाला आ गया था तो इन्होंने सारा कबाड़ निकाल के सामने रख दिया उसके, क्योंकि ये ना पेंट वेंट के डब्बे इकट्ठा हो गए थे काफ़ी सारे और उसे हमें देना ही था क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं रहती है और ये सारी चीज़ें सामने अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसी वजह से ना इन्होंने ये पूरा गलाठा निकाल दिया। और हाँ, मैंने वो पेंट की जो बाल्टियाँ है वो देने के लिए इनको मना कर दी थी क्योंकि वो अच्छी है यार, यूज़ में आ सकती है, इसी वजह से इनको मैंने वो देने के लिए मना किया, बाकी सब दे दिया इन्होंने। पापा ने क्या लाया आज? ढोकला और समोसा कचौरी। समोसा कचौरी आज भी? हाँ। मैं ढोकला खाऊंगी, मैं नहीं खाने वाली ये समोसा कचौरी आज। क्या है? कचौरी सांबर बड़ी है। कचौरी, अच्छा, शेगाव कचौरी और सांबर बड़ी है। ओ माय गॉड, गर्मा गर्म शेगाव कचौरी और सांबर बड़ी। उस दिन ज़्यादा हो गए थे इसी वजह से आज कम लाया। ढोकला मैं खाऊंगी, आप भी खाना। आपको आपको क्या चाहिए? मुझे ढोकला चाहिए। ढोकला ही चाहिए क्या? मैं भी ढोकले खाने वाली हूँ, अद्विक खाएगा वो। यहाँ पर ना वो सीसीटीवी वाले भैया आ गए थे। एक्चुअली हमारी सीसीटीवी चल नहीं रही थी, उन्होंने ना मतलब जो पेंट वगैरह हुआ है और ये हुआ है क्या बोलते हैं पीवीसी हुई है तो यहाँ पर ये कैमराज वगैरह उन्होंने लगा दिए दोबारा से, क्योंकि ये निकाल के रख देना पड़ा था उस टाइम। और फिर ना कैमराज चल नहीं रहे थे, एक दो कैमरा चल रहे थे, बाकी के कैमराज बिल्कुल नहीं चल रहे थे। तो यहाँ पर है एक, वहाँ पर एक है, फ्रंट में ये तीन कैमराज है, पीछे तीन कैमराज है ऐसे, और एक हॉल में कैमरा है, इसमें से एक पीछे का और ये फ्रंट का एक चल रहा था, बाकी बिल्कुल नहीं चल रहे थे, इसी वजह से वो लगाने आए हैं दोबारा से। काय झालं? काय झालं? बिल्ली, मेरे गाड़ी के नीचे बिल्ली, मैं क्या बोल रही है वो? पता नहीं, आपकी दोस्त हो गई क्या वो? नहीं मालूम नहीं। चलो हट जाओ, उसे परेशान मत करो, उसे परेशान मत करो क्योंकि वो सोने वाली है अभी। ये देखो मेरे घर पे कितने सारे मोरपंख हैं। ये ना इन्होंने आई थिंक नैनीताल से लाए थे जब हम लोग बरेली में रहते थे, नैनीताल से इन्होंने ये मोरपंख लाए थे और अभी भी है, अभी भी हम लोगों ने संभाल के रखे है वो। और ये फ्लोर पर ऐसे ही पड़े थे तो इसमें इन्होंने डाल दिए वो, और अभी ये कहाँ पर रखेंगे पता चलेगा। और यहाँ पर ना हम लोगों ने वो बम्बू प्लांट रख दिया है और वो नीचे का ग्लास का रख दिया है, मतलब पॉट, बहुत सुंदर लग रहा है वो उसमें। और ये देखो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। हे गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ मैं अपना हेयर कट करवाने। अभी बज गया है 6:15 बज गया है और भैया को कॉल किया था मैंने, वैसे कल भी कॉल किया था बट कल मेरा जाना ही नहीं हुआ, आज मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले ली है और मैं जाने वाली हूँ अभी, क्योंकि ना मेरे जो नीचे नीचे के बाल है बहुत ज़्यादा घास लग रहा है, स्प्लिट एंड्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और रफ लग रहा है। आप लोग भी बोल रहे हो यार कि भी आपके बालों का कुछ करो, आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ लग रहा है, तो इसी वजह से नीचे नीचे से ट्रिम करा के लाती हूँ और सामने से कुछ अच्छा सा लुक दे देती हूँ बालों को। हाँ, भैया को बोलती हूँ कि जो सूट करे वो अच्छा सा लुक दे दो फ्रंट से। और हाँ, मैं अभी किचन में इसलिए आई थी कि मुझे लेना था ये वाला ड्रिंक मेरा,
क्योंकि अभी वहां पर जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पर आऊंगी तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, और उसके चक्कर में उधर से आने के बाद मैं भूल गई, तो इसी वजह से अभी लेने आई थी वो। मैंने सोचा चलो अभी लेके वहां पर जाती हूँ। और हाँ, ये जो है वो है ओजीवा का प्लांट बेस्ड बायोटिन, एक्चुअली इसीलिए मैं ले रही हूँ 15 दिनों से। और कुछ दिनों से ना मेरे बाल काफी ज्यादा झड़ रहे थे और इसकी वजह से मैंने ये लेना स्टार्ट कर दिया। मेरे बालों का झड़ना तो काफी हद तक कम हो गया है इसको लेने की वजह से, 15 दिन में ही मुझे अच्छा रिजल्ट दिख रहा है इसका। और इसी वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि इसके जो नीचे नीचे के बाल है वो कट करा के लाती हूँ, इससे मेरे बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा और वैसे मेरा झड़ना तो काफी हद तक कम हो गया है इसकी वजह से। इसको लेने से क्या क्या फायदे हैं वो भी आपको बता देती हूँ। इससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है और आपके नेल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। आप सभी को पता है मैं बहुत अच्छे से हेयर केयर वगैरह करती हूँ, बट हेयर फॉल की प्रॉब्लम ये मुझे पता नहीं क्यों हो गई थी। मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है उस टाइम अच्छे से, उसी वजह से मेरी बॉडी में कुछ कमी हो गई होगी। तो उसी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, मैंने सर्च किया तो मुझे ये प्रोडक्ट दिखा, तो मुझे लगा कि इसे मुझे लेना चाहिए, इसी वजह से मैंने इसे लेना स्टार्ट कर दिया। अगर आपके बॉडी में ही कुछ कमी है तो आप कोई भी अच्छा सा शैम्पू यूज कर लो या कोई भी अच्छा सा ऑयल यूज कर लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अंदर से ही आपको उसको अच्छा करना पड़ेगा। तो अगर आपके बॉडी में B7 की कमी हो जाती है, यानी कि बायोटिन की कमी हो जाती है, तो आपका हेयर फॉल होने लगता है, आपके बाल पतले होने लगते हैं, आपके नेल्स टूटने लगते हैं, आपकी स्किन डल होने लगती है। तो यही जो सिम्टम्स है मुझे दिख रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसे मैं बना लेती हूँ, इसे पी लेती हूँ, इसको बनाना कैसे है और इसे कब कब पीना है वो आपको बता देती हूँ। तो गाइज, ये है ओजीवा का प्लांट बेस्ड बायोटिन फ्रॉम नेचुरल सेजवानिया एक्सट्रैक्ट। और ये जो ओजीवा का प्लांट बेस्ड बायोटिन है वो इंडियाज फर्स्ट होल फूड बायोटिन है, जो 100% प्लांट से बना है। ये आपके बालों का झड़ना कम करता है और उसके साथ साथ आपके बालों को घने और मजबूत बनाता है, और दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर मैंने 150 या 200 ml पानी लिया है और उसमें ऐड किया है 2 स्पून ओजीवा प्लांट बेस्ड बायोटिन। इसे अच्छे से पानी में घोल ले और रेडी है आपका ड्रिंक लेने के लिए। और हाँ, इसे आप कोई भी टाइम पे ले सकते हो, जब भी आपको दिन में टाइम मिले उस टाइम आप इसे ले सकते हो, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है लेने का। चलिए इसको फिनिश कर लेती हूँ। और इसका ना टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब खट्टा खट्टा सा टेस्ट है इसका, और इसका टेस्ट इसी वजह से खट्टा है क्योंकि इसमें ना आंवला एक्सट्रैक्ट है। इसका कलर रेड इसी वजह से है क्योंकि इसमें पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट भी है, इसमें सेजबानिया अगाथी भी है। ये जो सेजबानिया अगाथी है इसमें बायोटिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके हेयर एंड स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। और इसमें बम्बू शूट भी है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके हेयर को शाइनी बनाता है। इसमें आंवला एक्सट्रैक्ट भी है, आंवला तो आपको पता ही होगा, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और जो आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसमें पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट भी है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और जो एंटी एजिंग का भी काम करता है। इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड है, तो इसी वजह से ये बहुत अच्छा है आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए। अभी इसने मेरी हेयर फॉल में बहुत ज्यादा हेल्प की है, तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि हेयर के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मुझे स्किन में और नेल्स में पता चल जाएगा, तो मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर तो करती ही रहूंगी। अगर आपको इसे परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने दे दिया है आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे वहां से परचेस कर सकते हो। और आपको अगर नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इसका लिंक दिख जाएगा, और लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे और वहां से आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। और परचेस करने के बाद इसका रिजल्ट मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा, इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको अगर फर्क दिखता है तो मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से इसे पी लेती हूँ और जाना भी है मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। चलिए निकलती हूँ, माही भी रेडी हो गई है यहाँ पे, और हम दोनों ने लग नहीं रहा आपको सेम सेम पहना है, मतलब पिस्ता ग्रीन मैचिंग मैचिंग हो गया है आज। तो चलो निकलते हैं जल्दी से। हाय, इतनी है मी? एक्चुअली मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मतलब ये भैया ना पहले दूसरी जगह जॉब करते थे, बट अभी यहाँ पर उन्होंने अपना खुद का सलून डाला है, तो इसी वजह से मैं भी उनके पास फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता है कौन से फ्लोर पे है, बट अभी भैया को कॉल करती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे जाती हूँ पहले, भैया को कॉल करती हूँ और फिर पता चलेगा वहाँ पे।
ज्यादा शॉर्ट नहीं करना है। नहीं नहीं, लेंथ बिल्कुल कम करनी चाहिए। और लेंथ नहीं कम करनी है। हाँ। बस स्प्रिंग करो अच्छा सा, मतलब फ्रंट लुक दो। हाँ, फ्रंट ही मैं वही सोच रहा था, और जैसे अपने को सॉफ्टनेस के लिए चाहिए तो फिर केराटिन उसके बाद कर लेंगे। ठीक है। नहीं, यहाँ पर ही आप नहीं कटा के तब से पड़े। हाँ। शोल्डर नहीं, ये सामने के। सामने के आपने थोड़े से किए थे, सामने के नहीं बड़े। चलो हो गया है हेयर कट, कैसा लग रहा है जरूर बताना कमेंट करके। अभी घर पे जाते हैं और इनका रिएक्शन देखते हैं। अच्छा तो लग रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो घर पे चलते हैं। चलो अभी इनका रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। चलो चलो आप भी बताओ मुझे कहाँ पे आप क्या खा रहे हो। अरे इसके लिए पॉपकॉर्न बना के दिया। और आप जाने के बाद इसने इतना तंग किया कि बराबर नाक में दम कर दिया मेरे। आप गए तो मेरे को इतना संभालना पड़ा इसे। और अभी मेरे बाल कैसे लग रहे बताओ। बाल बैठे ये सामने कैसे आगे बाल आगे से अभी देखो। मेरे को जैसा लगा वैसे ही लग रहा है, जैसे गई थी वैसे ही लग रही थी। अब आप बताइए आपको कैसे लग रहा है। नहीं बाल, अरे अभी सिर्फ काट के आए क्या? काट के नहीं नहीं नहीं, काट के आए। अच्छा काट के इतना तो ये इतना ही, बाकी तो कुछ काटा नहीं ना। नहीं बस तो इतना तो मैं घर में भी काट के देता था। और क्या तो भैया ने इतना खर्चा किया पार्लर के लिए, ऐसे इसीलिए के लिए किया गया। घर पे अगर कस्टमर काटने लगे तो बेचारे उनका क्या। ना लेकिन अधिक को कितना संभालना वाला, एक घंटे के लिए मुझे कितना परेशानी हुई। कोई बात नहीं, मैं तो इससे अच्छा घर में काट के देता था, दोबारा आप कटवा दी नहीं मेरे से बात है ना भाई। पैसा भी बच जाता और बस ये ऐसे मम्मा जैसी बोलती वैसे काटता मैं। बराबर है। फिर मुंह दिखाने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। देखो आदमी को पॉपकॉर्न भी बना के दिया यार। अरे बहुत परेशान कर रहा था। चलो अरे मम्मा को दो ना पॉपकॉर्न, दे ना मम्मा को दो, मम्मा को दो बेटा, मम्मा को आ करो आ, 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 आ,
चलो चलो फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम से बाहर नहीं जाऊंगी, हस्बैंड से ही कटवाऊंगे। अभी मैं उसका कोर्स भी कर लूंगा मेरे लिए मेरे लिए अच्छा पैसा बचाने के लिए या बच्चे संभालने के लिए चलो चलो फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अभी खाना खाएंगे, हमने उधर से खा के आए हम लोग। पानी पूरी खाए होंगे आपने? मेरी फेवरेट, जब भी बाहर निकलती हूँ मैं पानी पूरी खाती ही हूँ। तो मुझे ना बार बार टच करने का मन कर रहा है, काफी दिनों के बाद ऐसे लग रहा है मेरे बाल। और ये ना नीचे नीचे से घास घास से हो गए थे, तो अभी ये पूरी स्प्लिटेंस निकल गई है, तो ट्रिम करा के लाइए तो पूरी स्प्लिटेंस निकल गई है। देखो पूछ, देखो अभी पास से दिखाती हूँ, अच्छे हो गए हैं। तो चले फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और मेरा हेयर कट पसंद आया तो उसके लिए जरूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अद्विक बोल रहे हाँ पता है, क्या है? हाँ मुझे पता है। चले फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। क्या क्या बोला आपने? और रस नहीं, हेयर का रस भी निकाल सकते हम। हेयर कलर्स नहीं, पेड़ का रस भी निकाल, पेड़ का रस भी, अच्छा जैसे जैसे कार्टून में दिखता है वैसे वैसे बोलता है, पेड़ का रस भी निकाल सकते हैं बोलता है। चलिए फिर बाय।